अभी एक और अहम खबर है, वजीर आला पंजाब से चीन की कंपनी होवांग शैंडविंग रॉयाई के सदर की मुलाकात हुई है। चीनी कंपनी के सदर ने अपने इदारे की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफ भी किया। इसी पर बात करेंगे आकिब तनवीर से। आकिब बताइएगा जी, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से चीनी कंपनी होवांग के सदर की मुलाकात हुई है और इसमें जो पाकिस्तान और चीन के जो तल्लुकात है उस हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया। इसके साथ साथ जो चीन की सरमायाकारी है उसको भी कदर से निगाह से देखते हैं। उस्मान बुज़दार का कहना था कि पंजाब में जो चीन के तावन से कई मनसूबे हैं वो कामयाबी से भी चल रहे हैं और इसके साथ साथ जो सी पैक में सरमायाकारी की गई वो भी उससे भी पाकिस्तान की मीशत को काफ़ी ज़्यादा तकवीत भी मिली। तो तवानाई के साथ साथ दीगर शूबों में भी चीनी कंपनियों की सरमायाकारी का एक दो खैर मकदम करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने चीन के नए साल की आमद पर चीनी वक्त के अरकान को मुबारकबाद भी पेश की। तो इसके साथ साथ पंजाब में जो अपना दफ्तर कायम करने के हवाले से वज़ीर-ए-आला ने इसको खुश आइन करार दिया। उनको कहना था कि जो सरमायाकारी की जाएगी उसका मुकम्मल तहफ़ भी किया जाएगा और पाकिस्तान चीन के साथ जो दोस्ती है वो मिसाल भी बनाना चाहता है। इसके साथ साथ जो चीनी कंपनी के सदर हैं उन्होंने अपने इदारे की कारकर्दगी और मनसूबों के बारे में भी वज़ीर-ए-आला पंजाब को ब्रीफिंग दी और चीनी वक्त की जानब से वज़ीर-ए-आला पंजाब को शेंडोंग के दौरे की दावत भी दी गई जिसको वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानब से कबूल किया गया। और जो वक्त था उनकी जो खुशगवार मुलाकात है वज़ीर-ए-आला पंजाब से हुई है और आइंदा जो सरमायाकारी है खासतौर पर पंजाब में और पाकिस्तान में करने के अज़्म का जो इरादा है वो भी किया गया है। जी, चीनी वक्त की वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुलाकात हुई है। शुक्रिया आतिफ।